मामू आया तब मेरी आंख खुली है। वहां पर ट्रेविन देखे माप शादी ये भाई माप शाद दिन का आया तब वैसे का वैसे रखा हुआ। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? खूब आप सब अच्छे हो गए? तो भाई बस मैं अभी उठाऊं मामू। हरे कृष्णा कहते तुझे बहुत दिन बाद मिले सारे। मामू आए तभी मेरी आंख खुली रखे यार, रात को बहुत सुबह ही सोया था एक तरह से, पता ही आपको तो सुबह ही सोया था। अभी खाने पीने के लिए बैठे थे, मामू कह रहे एक दिन साग बना लो दीदी। मैं कहा मामू जो साग बढ़ गया ना हफ्ता नहीं जाना मामू। कह रहे तू नहीं हरी हो जानी है, साग नहीं हिलना। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਗ ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਮਾਮੂ ਬਸ ਅਭੀ ਗਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਤਾ ਹੂੰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੇ ਲੀਏ। आज थोड़ा लंबा राउंड मार के आते हैं, मम्मी ने कुछ सामान भी लगवा दिया, वो भी आते हुए लेके आएंगे ठीक है। और कल भी एक जगह जाना, मामू ने बोला कि चलते हैं और सामान भी लेके आना मंडी से, वो कल ही चलेंगे। अभी पहले थोड़ा सा साइकिलिंग करके आएंगे, जरूरी है यार, बने रहना मेरे साथ वीडियो में। मफलर ले लिया, मम्मी कह रहे ठंड ना लग जाए क्योंकि फोगी टाइम चल रहा है 2-3 दिन तो। मम्मी चलो मैं आ रहा हूँ। चलो भाई निकलते हैं। भाई बहुत सारा रास्ता क्रॉस करके आ गया हूँ मैं, देख लो यहाँ पे साइकिल चल रही है अभी। और मैं बनाऊ भूत, अभी मतलब मफलर वगैरह चढ़ा रखा है पूरा फेस पे, देखो ठंड लग रही है लेकिन पसीने भी बहुत आ रहे हैं। तो अब ये मैं उतारूंगा नहीं, ऐसे ही रखूंगा, घर तक चलेगा ये। चलो है ये सुखना लेक का फ्रंट आ गया, लेकिन मैं रुक नहीं रहा यहाँ पे, हम सीधा ही जा रहा हूँ। बीच में से निकल के आ गया मैं पार्क के। हाँ भाई पहुंच गया। आज मन में यहीं तक सोचा था, बुद्धा पॉइंट तक। और देखो बुद्धा जी बने हुए हैं, दिख रहे हैं वो बुद्धा जी पॉइंट है। बस अब यहाँ से निकलता हूँ, लेकिन ये नीचे नहीं करना मुझे, अगर ये नीचे कर लिया ठंड लग जाएगी बहुत ठंडा है यहाँ पे, लोग बस टहल रहे हैं। बस मैं आगे घूमने नहीं जाऊँगा, बस यहीं से वापस होता हूँ। ये मेरे घर से 8 किलोमीटर की दूरी पे है, और दोबारा घर चलते हैं, जाते हैं सामान भी खरीदने। चलो निकलते हैं। यहाँ पे ना बहुत लोग आते हैं बुद्धा पॉइंट में, अभी भी इतनी सर्दी है लेकिन देखो गाड़ियाँ भरी नहीं पड़ी, साइकिल तो कोई नहीं दिखेगी, मेरी साइकिल थी बस यहाँ पर। बहुत अच्छी लोकेशन है, इसकी मैंने सारी एक वीडियो बना रखी है, तकरीबन 1 साल पहले बनाई थी वीडियो, आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। अगर हो सकेगा तो मैं आई बटन पे डाल दूँगा, सुखना लेक की फुल वीडियो मैंने कवर की थी बुद्धा पॉइंट तक, बहुत बढ़िया वीडियो है, जाके देखना और लाइक करना, कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो चैनल को। मेरे लेफ्ट साइड पर जो आप देख रहे हो सारा गोल्फ ग्राउंड है, और यहाँ से निकल रहे हैं सीधा घर के लिए। ओ भाई अभी मार्केट में पहुँचा हूँ यहाँ पे, और पसीने भीगा पड़ा हूँ पूरा ज़्यादा। मम्मी को फोन किया, मैंने कहा भाई बता दो क्या क्या लेके आना, व्हाट्सएप ही कर दो, साइकिल भी लेके जाऊँगा और मैं बैग वो कुछ नहीं लेके आया, पसीना आ रखा है ये, मैं हटाऊँगा नहीं मफलर भाई, इसी ने बचा रखा है, ठंड बहुत है, गिल्ली हो रखी है पीछे से, पता नहीं कैसे, ये देखो दिख रहा है, मतलब पता नहीं ओस जम गई है क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा मेरे को। भाई पहुँच गया घर, अब उतारा नहीं, जैकेट के अंदर ही पूरा पसीना आ रखा है, सामान नहीं ले गया भाई, सामान इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही लिखा दिया था मेरे को मम्मी ने सामान, मैं लेके नहीं आया, मैं भाई बाद में जाऊँगा गाड़ी में आराम से लेने के लिए, साइकिल पे तो आता नहीं वो सामान। भाई मुझे लग रही है त्रे, मम्मा त्रे पंजाबी च कहते हैं, मेरे त्रे लग रही है मैंने बहुत ज़्यादा पानी दे, लेकिन गर्म पीना है तत्ता पानी तत्ता, कल तो रात को खुद ही किया था मैंने, आई मम्मी किचन में, मैंने कहा आप कर दो फिर चलते हैं मार्केट, मम्मी उन्हें लेके आना सामान है, चलो फिर हूँ चल लागे। चलो भाई अब निकल रहे हैं मम्मी के साथ, मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ। भाई पहले पहुंचे हम इस्कॉन, मैं गाड़ी लगा लूँ साइड पे, बंद कर दे से, पहले पहुंचे इस्कॉन भाई, ट्रे भी देनी थी, उसके बाद जाएंगे आगे सामान लेने के लिए। याद है आपको वो माँ प्रसाद की ट्रे, अभी तक घर पे रखी थी, दे ही नहीं पाए। चलो भाई चलते हैं, इस्कॉन से होके सीधा आ गया हूँ मैं मामू के पास, मामू के साथ जाना है अपना ने जगन्नाथ टेम्पल के लिए,
दर्शन हो जाएंगे दर्शन कर दर्शन करके सामने मार्केट चो फल लिया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यार हम सामान लेने जाना था प्रसाद के लिए लेकिन अभी लेके नहीं आप पीछे रख लो भाई पहुंच गए जगन्नाथ टेंपल यार फॉग स्टार्ट हो गई मामू गड्डियां खड़ी हुई हैं देखो जगन्नाथ जी को भूख लग गया प्रसाद की वेट कर रहा हूँ मैं तो भाई प्रसाद की ही वेट कर रहा हूँ अच्छा ये वाला जो प्रसाद है ये तो प्रथम भोग ना मेन प्रसाद तो वो रहा महाप्रसाद ये रहा तीनों ही मेन है ये मतलब जो अभी लगे तो वो है ना किलो भाई प्रसाद मिला पान का थोड़ी दिक्कत तो ठीक है भाई आज जगन्नाथ टेंपल में गए थे बहुत बढ़िया रहा प्रसाद खाया उसके बाद आपने देखा प्राण का प्रसाद भी खाया और फिर मामू ने प्रसाद जो जहाँ पे प्रथम भोग दिया है उसके लिए भी शक्कर वगैरह लेने गया था मैं और आते हुए भाई इतना ज़्यादा मतलब फोगी हो गया था पूरा एटमोसफियर रास्ते में चंडीगढ़ में होने लग गया है तो भाई ठंड ज़्यादा बढ़ रही है सेफ़ रहो घर पर रहो तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरी मोटिवेशन के लिए प्लीज करते हैं तो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय हरे कृष्ण।